Let me introduce you to somebody who is a veteran congressperson, somebody who has made us proud. Because in times that we are seeing, in times when people who are opportunists, they decide to leave the Congress because they have been baited, those people need a message. और वो मैसेज आपसे लेना चाहूंगी. आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, आप बताएंगे कि आप आपके बारे में बताइए. मैंने सुना है कि आपने 1982 में कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ा था. हाँ, आपने चुनाव लड़ा. गुलाब गांधी आजाद दीमापुर टिकट दिया है. अच्छा, दीमापुर का टिकट आपको मिला. हाँ, तो उसको मैं जामिया प्रेसिडेंट था जी. तो ऐसे जामिया निकला, मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर हो गया. तो हम तो इंटू वेटरन हो गया. आप वेटरन हैं, लेकिन ये बताइए कि आज कांग्रेस जो है वो सरकार में नहीं है. जब कांग्रेस सरकार में थी, नागालैंड में क्या फर्क था और आज की सरकार में क्या फर्क है? कांग्रेस तो अभी ये बार 300-400 मिलने से भी बहुत खुशी आएगा. अच्छा, तो नहीं, आस्ते आस्ते बढ़ते जाएगा, बढ़ता जाएगा. मतलब कांग्रेस हमेशा किसी भी हालत में छोड़ता नहीं है. बेहतर बहुत ज्यादा है उसमें. कांग्रेस बहुत मानता है जी, बच्चा बच्चा लोग बच्चा बच्चा मानता है. मगर फिर ऐसा क्यों होता है कि चुनावों के समय में जो ये गेम होता है, गेम खेल, और फिर गड़बड़ हो जाता है. मगर आपने कांग्रेस नहीं छोड़ा. हाँ, नहीं छोड़ा. और बच्चा बच्चा कांग्रेस नहीं, कांग्रेस आई. तो सरकार कांग्रेस की पिछले 20 साल से नहीं है. आएगा. ये पक्का है, ये उम्मीद है, ये हौसला है. देखिए कि एक वेटरन जिन्होंने चुनाव लड़ा वो क्या कह रहे हैं. ही नोज दैट इट इज द कांग्रेस दैट पीपल लव. गंदा खेल कोई भी खेले, मगर दिल में लोगों के कांग्रेस ही होता है. इसलिए नागालैंड के लोग याद रखे कि हमारे साथ सर आज जो बात कह रहे हैं उस बात को समझे. बिकना नहीं है, सही कैंडिडेट को वोट देना है, क्योंकि अपना भविष्य बनाना है, अपना फ्यूचर बनाना है, यूथ को अपना फ्यूचर बनाना है. आप कांग्रेस आसे, उपाय आसे, आसे महात्मा गांधी के साथ में. नागालैंड के साथ महात्मा गांधी खड़े रहे थे. जब नागालैंड भारत का हिस्सा भी नहीं बना था, तब महात्मा गांधी ने कहा था कि अगर एक भी नागा का एक भी बूंद खून बहेगा तो मैं अपनी जान दे दूंगा. कहा था ना. तो आप क्या क्या संदेश देंगे लोगों को, क्या कहेंगे इस वक्त कि कांग्रेस को वोट वो क्यों दे? कांग्रेस का वोट देगा. लोगों को क्या कहेंगे कि वोट दे? हाँ, वोट दे कांग्रेस को. आएगा कांग्रेस, उससे क्या होगा? कुछ अच्छा होगा. अभी से अच्छा होगा. अभी से अच्छा होगा, पक्का. इतना विश्वास है अगर किसी को. और आप देख रहे हैं कि आज के जो हालात है उसमें भी विश्वास है, क्योंकि कांग्रेस विश्वास है. कांग्रेस आपके साथ है. कांग्रेस को वोट दीजिएगा. आवाज उठा भी भोय ना खा भी. कांग्रेस आसे, उपाय आसे.